गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं ना। देखो टेंथ के सारे टॉपिक हमने क्लियर कर लिए हैं। अगर आप टॉपिक क्लियर नहीं कर पाए हैं तो प्रीवियस वीडियोज में जाकर के आप आराम से टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी के सारे टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं, हमारे न्यूमेरिकल्स बचे हुए थे। तो आइए पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में आपको कौन कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो फॉर्मूले लिख लें। पहला फॉर्मूला आपका क्यू इज इक्वल टू एन ई। ठीक है, क्लियर ना। अब इसी में हम देखो पहले आपको सारे फॉर्मूले बता देते हैं, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। Q इज इक्वल टू एन ई मिलेगा, फिर V इज इक्वल टू आई आर, एक फॉर्मूला ये है। फिर R इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, एक ये है। फिर वन अपान R इज इक्वल टू वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू प्लस वन अपान आर थ्री, एक फॉर्मूला ये है। इसी में है R इज इक्वल टू रो इन टू एल अपान ए, एक फॉर्मूला ये है। इसी में है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, एक फार्मूला ये है। इसी में है P इज इक्वल टू वी आई। बस इतने फार्मूले आपके यहाँ टोटल हैं जो आपको यूज करने हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर एक Q इज इक्वल टू आई टी भी यूज होता है ये। ठीक, मैं आपको बता दूं ये सारी वैल्यू तो आपको लिखी दिख ही रही है। क्यों है यहां पर वर्क या अमाउंट ऑफ हीट कह सकते हो, वर्क सॉरी हाँ एनीवे आप क्यू को एनर्जी ले लें, एनर्जी, एच को हीट, आर क्या है रेसिस्टेंस। ठीक है, सेम एज वी आपको पता ही है क्या है वोल्टेज, आई आपको पता ही है क्या है करंट, P आपको पता ही क्या है पावर। ठीक है, A क्या है एरिया, फिर रो क्या है रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी। क्लियर, इतनी वर्ड है जो आपके यहाँ यूज हो रहे हैं अल्फाबेट। ठीक, हम सबसे पहले फार्मूले की बात करेंगे। पहला फार्मूला हमारा Q इज इक्वल टू एन ई, इसी पे हमको न्यूमेरिकल लगाना है। चलिए बस स्टार्ट करते हैं आज के कार्यक्रम को, हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं ना। चलो भाई इज इक्वल टू एनी, क्यू इज इक्वल टू एनी, ये फार्मूला है हमारा ना, ये लिखा हमने ऊपर आपका फार्मूला क्यू इज इक्वल टू एन ई। कहीं कहीं पर जरूरत पड़ने पर क्यू इज इक्वल टू आई टी भी यूज हो सकता है। ठीक, आ समझना, क्यू हम लिखेंगे क्या है टोटल चार्ज। हम जरूरत पड़ने पर एनर्जी भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां एनर्जी नहीं है, जहां काम आएगा हम बताएंगे। Q टोटल चार्ज है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, रहा I, तो I क्या है करंट। ठीक है, फिर अगली बात है T, तो टी क्या है टाइम। आपको सबकी वैल्यू बता दें, टोटल चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपने नोट कर लिया, नहीं किया तो कर लो। ठीक है, चलो आई होप हो गया होगा, स्क्रीन शॉट कर लें आप। अब हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हमने हटाया। अब याद रखिएगा क्या क्या पूछ रहा है, क्या क्या कहना है ना। देखो क्लास टेंथ के लिए ये पहला लेशन है न्यूमेरिकल का ना, तो आपको बता दें न्यूमेरिकल्स में तीन चीजें होती हैं। पहला गिवेन दैट, फिर उसके तुरंत बाद नीचे लिख देता हूं फाइंड आउट, और उसके तुरंत बाद फार्मूला। ठीक है, इतनी चीजें होती हैं, फिर सॉल्व करना होता है। तो पहले हम गिवन द, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन में दिया है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट, कैलकुलेट करना है क्या इलेक्ट्रिक करंट को, डायरेक्ट हमें लिख दिया कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट निकालना है। आगे इन ए सर्किट आप 300 कूलाम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, Q की वैल्यू दे दी है 300 कूलाम। हम यूनिट से भी पहचान लेते हैं, पहले
पहले नंबर लिख लें फिर यूनिट पहचान लें कौन सी यूनिट है। जैसे चार्ज यूनिट कूलाम होती तो सी हो गया, 300 कूलाम इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रो इट इन 5 मिनट। 5 मिनट क्या दिया होगा, मिनट में है तो फिर टाइम हो जाएगा 5 मिनट। ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं। फार्मूला वही अभी हमने बताया। देखो यहाँ पर यहाँ बात समझना, जब Q दिया है T लिया है I निकालना है, फार्मूला दूसरा वाला लगेगा Q इज इक्वल टू आई टी। अब ये मिनट में इसको सेकेंड में बदलो, पहले 5 × 60 तो T इज इक्वल टू 300 सेकेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं कार्यक्रम ना। अभी देखो समझने में दिक्कत होगी तो अगला नुमार कल हम पढ़ के बता देंगे ठीक से। देखो ध्यान से, पहले 300 कूलाम ये फार्मूला हमने लगाया Q इज इक्वल टू आई टी, Q की वैल्यू 300, I की निकालना है और T की भी 300 है। देखो 300 कैंसिल, ये हो गया 1 और ये हो गया I इंटू 1, इसका कोई इस 1 का कोई मतलब नहीं तो I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, ये आपका आंसर है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन आपको लिख के बता देते हैं, मे भी आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो। चलो पहले हम फॉर्मूले को हमने हटाया थोड़ा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें अगर तो। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है वाट चार्ज फ्लो थ्रू, हम लिख दे आपके स्क्रीन में देखिए लिख के आ रहा है वाट चार्ज फ्लो थ्रू ए मेटलिक वायर इन 1 आवर। पहले जो जो वैल्यू दी है लिख लो 1 आवर, पहले जो जो नंबर दिए हैं बीस यूनिट लिखो, 1 आवर दिया है। आगे इसी में कह रहा है ए कांस्टेंट करंट 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर ठीक है। उसके बाद इज फ्लोइंग थ्रू इट, सबसे पहले पूछ चुका है वाट चार्ज मतलब क्यू पूछ रहा है ठीक। अब समझो हमें नहीं पता ये क्या दिए हैं, ऐसे तो आप पहचान ले यूनिट से, आवर किसकी यूनिट है टाइम की लिख दिया, एम्पियर किसकी यूनिट है करंट की लिख दिया ठीक। लेकिन मान लो फिर भी पहचान में नहीं आ रहा है तो जो आपको न्यूमेरिकल दिया उसे एक बार पढ़िए, नंबर के जस्ट पहले या बाद में इसका नाम दिया होगा, ये जो नंबर है प्रॉपर्टी है ना इसके मालिक का नाम है, तो जस्ट पहले होगा या बाद में होगा, पढ़ो न्यूमेरिकल शुरू करो। वाट चार्ज फ्लो थ्रू ए मेटलिक वायर इन 1 आवर, इन 1 आवर, आवर टाइम है। और आगे थोड़ा चल के देखो व्हेन ए कांस्टेंट करंट 0.2 एम्पियर, देखो 0.2 एम्पियर है, एम्पियर यूनिट करंट की तो हमने लिख दिया, मान लो फिर भी समझ में नहीं आ रहा करंट किसकी यूनिट है एम्पियर किसकी यूनिट, थोड़ा और पहले देखो, देखो दिया गया है कांस्टेंट करंट 0.2 एम्पियर, इसके पहले दे दिया गया है करंट 0.2 एम्पियर। क्लियर, नाम बगल में दिया तो सिर्फ आप पढ़ने की कोशिश करो बट ट्राई करो। देखो क्यों निकालना है, आई टी दिया है तो फॉर्मूला तो ही लगाएंगे तो लगा दीजिए आप Q इज इक्वल टू आई टी। आपको काम की बात बताएं, पेपर में न्यूमेरिकल बहुत टफ नहीं आते हैं, आसानी से आप कर लेंगे, बढ़िया प्रैक्टिस करिएगा बस। देखिए वह आवर में है तो पहले Q में कुछ मत रखिए, I की जगह हमें दिया 0.2 हमने रख दिया, T की जगह 1 आवर है तो इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 सेकेंड में करेंगे फिर 60, मतलब कि अगर हम 1 आवर को हमेशा वैल्यू सेकेंड में रखेंगे, सेकेंड में करेंगे तो 60 लिखेंगे तो 60 मिनट हो जाएगा। अब जब हम 60 मिनट को कवर करेंगे तो मिनट की जगह क्या लिखेंगे फिर 60 लिखेंगे तो 60 सेकेंड हो जाएगा। देखिए हमने यही तो किया है ये, क्लियर। एक घंटे में 3600 सेकेंड ही तो होते हैं। अब हमने इसे सॉल्व करना स्टार्ट किया, पॉइंट हटाया नीचे हो गया 10, 0 से 1 0 कट गया तो यह आ गया 2 × 1 × 6 × 60 ठीक है, 2 × 1 = 2, 6 = 12 × 60। बाकी कुछ काम धाम आप भी करो नहीं आपको बुरा लगेगा। हमने मल्टीप्लाई कर लिया, हो गया 720 कूलम। क्लियर ना। चलिए अगला न्यूमेरिकल मैं करके बता देता हूं, हिंट दूंगा करना आपको है। चलिए हिंट देते हैं पहले ना, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। तीसरा जी, हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो कह रहा है, क्या कह रहा है सर बता रहा हूं, एक करंट ऑफ 3.6 मिली एम्पियर, एक करंट ऑफ 3.6
मिली एम्पियर ये दिया है करंट की वैल्यू। आगे कह रहा है इज फ्लोइंग थ्रू द एलिमेंट ऑफ वैक्यूम ट्यूब, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मतलब एम की वैल्यू बताना है और पर सेकेंड का मतलब एक सेकेंड, टी बराबर दे दिया है। आगे कह रहा है थ्रू द एलिमेंट हाउ मच चार्ज विल पास इन 10 मिनट्स, दोबारा फिर ये पहली कंडीशन थी, इसी में दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है हाउ मच चार्ज कितना चार्ज क्यों निकालना है विल पास, पास होगा इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में, 10 मिनट में कितना चार्ज पास होगा। आगे गिवेन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इज, चार्ज आपको दे दिया मतलब E की वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹ इसको चाहे आप E समझ लो चाहे आप इस वैल्यू को आवश्यकता पड़ने पर क्यों समझ लो, एनी भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। देखो I दिया है T दिया है हमको N निकालना है, यहां समझो पहले N निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, यह है N, N निकालने के लिए चाहिए Q और E, E की वैल्यू तो हमको पहले से पता होती है, E की वैल्यू तो हमको पता होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ नहीं तो है, लेकिन क्या मेरे पास Q है, नहीं है, Q तो निकालना है, तो पहले आप सेकंड पोजीशन सॉल्व करिए, पहले आप Q निकाल लीजिए, ठीक है, तो Q आप यहां से निकालिए, यहां से I दिया है T दिया है, पहले पहली कंडीशन में अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, इस वैल्यू फार्मूला पुट, फार्मूले में वैल्यू पुट करो, क्यू की वैल्यू नथिंग है तो निकालना है, आई की जगह 3.6 × 10⁻³ इंटू टी की जगह 1, माइनस थ्री कहां से आया देखो यार मेगा सॉरी मिली एम्पियर लिखा है, इसे मिली कहते हैं, मिली एम्पियर, मैं आपको बता दूं मिली हटाने के लिए हमेशा 10⁻³ का यूज करते हैं, ये टेबल मैं अभी आपको लिखा देता हूं, अभी इसके जस्ट बाद आपको एक टेबल दे दूंगा, आप वीडियोस के बाद आपको एक पेज मिल जाएगा हटाने वाला, मिली कैसे हटाते हैं, एम्पियर हटाने के लिए क्या करते हैं, वैसे मैं लिख दे रहा हूं आप यहां नोट कर लेता है, सेंटीमीटर कहीं सेंटी लिखा हो सेंटी, कहीं पर मिली लिखा हो कहीं पर माइक्रो लिखा हो, माइक्रो को म्यू भी लिखते हैं, कहीं पर नैनो लिखा हो कहीं पर एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को हम ए के ऊपर जीरो लगा के भी डिनोट करते हैं, या कहीं पर पीको लिखा हो, इसको हटाने के लिए क्या करते हैं समझिएगा, सेंटी को हटाने के लिए 10⁻²⁰ लिखते हैं, मिली को हटाने के लिए 10⁻³, माइक्रो को हटाने के लिए 10⁻⁶, नैनो हटाने के लिए 10⁻⁹, एंगस्ट्रॉम हटाने के लिए 10⁻⁩, पिको हटाने के लिए 10⁻½, इससे ज्यादा आपके यहाँ आएगा नहीं, ये हटाने के लिए ये करते हैं, लगाने के लिए इसका उल्टा कर दो, सेंटी कहीं लगाने के लिए 100 से डिवाइड कर दो मतलब 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दो प्लस 2 से ना, जब इसको लगाना हो तो प्लस 2 से कर दो, हटाना हो तो सेम इससे मल्टीप्लाई कर दो, देखो यहां सेम मिली था हमको मिली करके एम्पियर में कन्वर्ट करना था मतलब मिली हटाना था, हमने 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखिए 3.6 से लिखा है 10⁻³ हो गया मिली में कन्वर्ट हो गया, ये आप नोट कर ले, ठीक है इरेज किया मैंने, चलो आप समझो फिर आगे, अब हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है तो सॉल्व क्या करना है तो सॉल्व हो ही गया, वंस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो बचेगा 3.6 × 10⁻³ कोलम ए, ये वैल्यू यही तो बचेगी, हाँ सर ये बचेगी, एब्सोल्युटली क्लियर मामला एकदम मतलब साफ हो गया। अब देखो अगले में मैं क्या निकालना था, टी और ई दिया है हमें क्यू निकालना है, सॉरी समथिंग इज रॉन्ग, हाँ क्यू आ गया भैया लेकिन पहले के लिए आया, अभी दूसरी कंडीशन हम लोग फॉलो नहीं कर रहे भैया। अब देखो अब क्या बात है सर, बात ही बात है कुछ आगे समझाइए, रुको यार, हाँ यहां से एन निकालो, एन इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के एन निकालो, अब एन निकालने के लिए क्या करें एक बार हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ए करंट ऑफ 3.6 मिली एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू द एलिमेंट ऑफ ए वैक्यूम ट्यूब, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर, चलिए इसको यहां रखिए इसमें क्यू की जगह 3.6 × 10⁻³ एन की वैल्यू निकालना है,
और e की वैल्यू दी है 1.6 इंटू 10 द पावर माइनस 19, ये वैल्यू इधर भेज दो, हो जाएगा 3.6 इंटू 10 द पावर माइनस 3 अपान 1.6 इंटू 10 द पावर माइनस 19 इज इक्वल टू n, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पॉइंट के बाद जब सेम डिजिट साम बगल में हो, सेम नीचे हो, मतलब बराबर बराबर हो, तो कैंसिल हो जाता है। अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा कि सर एक न्यूमेरिकल पे वीडियो बना दें, तो हम केवल एक ऐसा वीडियो बना देंगे जिसमें ऐसी वैल्यू सॉल्व करना बताया जाए, ठीक। कोई प्रॉब्लम हो, देखो तुम प्रॉब्लम बताओ बस, क्वेश्चन तुम करो, आंसर के लिए तो हम आप ही के लिए तो काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया, 10 की पावर माइनस 19 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 36 अपान 16 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 की पावर प्लस 19, बिकॉज देखो ये माइनस था ऊपर गया तो प्लस हो गया, किसके इज इक्वल टू, एन इज इक्वल टू। आगे फिर मेहनत करो, 19 से 3 चला जाएगा क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में, ये कटेगा ना तो ये 2 से डिवाइड करो तो 18 आया और ये 8 आया, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करो तो ये 9 आया और ये 4 आया, बात समझ में आ रही है भाई, 2 8 16, 18 2 9 36 और फिर 2 4 जाए 8, 2 9 जाए 18, ये 3 इंग्लिश बहुत है। 9 अपान 4 इंटू 10 द पावर 16 इज इक्वल टू एन, 4 से 9 को आप डिवाइड कर लें इतना तो आप बेहतर तरीके से कर ही पाते हैं, नहीं कर पाते मैं बता दूं, डिवाइड करने पर आएगा 2.25 इंटू 10 द पावर 16 इज इक्वल टू एन, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे को लिख दो, एन इज इक्वल टू 2.25 इंटू 10 द पावर 16, दिस इज योर आंसर, आप नोट कर लें। इतनी बात क्लियर हो गई, ये केवल फर्स्ट कंडीशन थी, नोटिस फिर सेकेंड करते हैं जल्दी से। हाँ सर हो गया सर, सेकंड बताइए, थमो बेटा ना तुरंत सेकंड बता रहा हूँ इसके बाद। चलो सेकंड कंडीशन देखते हैं, फर्स्ट का काम खत्म। सेकंड क्या है भाई, फिर सेम वही काम, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या थी, क्यों निकालना था, टी ई दिया था, अब आसान है यार, अब चाहे जहां से निकाल लो, क्यों यहीं से निकाल लो, क्यों यहां से आसानी से आ जाएगा, ई की वैल्यू रख दो, एन की वैल्यू भी हमने निकाला ही है, 2 मिनट पहले निकाला ना, क्या निकाला था, टी 10 मिनट दिया है। अब फिर मामला देखो, सॉरी मामला गड़बड़ है, हम मिस्टेक कर रहे हैं, टी अब की बार आपको 10 मिनट दे दिया गया है, टी और आई ए दिया है, तो इन दोनों के हेल्प से पहले आप क्यों चाहें तो यहीं से निकाल लें यहां डायरेक्ट, क्योंकि इसने 10 मिनट दे दिया ना, पहले मिनट को चेंज करो, इसी में रखो वैल्यू, क्यू की वैल्यू निकालना है दोबारा में, आई की वैल्यू यही रहेगी 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू, देखो मिनट है तो 10 मिनट इंटू 60, अब सेकंड ने बदल गया, पॉइंट कैंसिल किया 0 आया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, ठीक है। जब ऊपर से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे पॉइंट बाद जितने डिजिट होते हैं उतने 0 लग जाते हैं, तो ये बन गया 36 इंटू 60 इंटू 10 द पावर माइनस 3, इसी को हम लिख सकते हैं 36 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 10 द पावर माइनस 3, समझना ध्यान से, हमने 60 को क्या कर दिया, 6 इंटू 10 कर दिया, कोई दिक्कत तो है नहीं, अब 10 की पावर 1 माइनस 3 से चला जाएगा तो ये बचेगा 36 इंटू 6 इंटू 10 द पावर माइनस 2, आसान हो गया आपके लिए। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लें, क्या होगा 6 जा 36 कैरी 3 6 3 जाए 18 18 3 19 196 इंटू 10 की पावर माइनस 2 कोलम, चाहे तो आप ऐसे लिख दें जो आपको दिख रहा है, मगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप इससे इसको डिवाइड कर दें, इसको लिख दें 196 अपान 100, 10 की पावर माइनस 2 नीचे आएगा, 10 की पावर प्लस 2 हो जाएगा, ठीक। और इसी को लिख सकते हैं 196 अपान 100, इसी को आप डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करेंगे 196 को तो पहली बार में 1 पॉइंट जाएगा, 1 टाइम जाएगा, माइनस करोगे 96 आएगा, पॉइंट लगाओगे 9 टाइम जाएगा, फिर पॉइंट लगाओगे 6 टाइम जाएगा, समझो ध्यान से पहले ऐसे जाएगा ना। अब इसी का आंसर आप लिख लें 2.96 ये जाएगा 96 960, हाँ ठीक है, ये कोलम में आंसर आ जाएगा, शाहा क्यू इज इक्वल टू 1.96 आ गया। एक बार आप आंसर चेक कर लेना सॉल्व करके, जल्दी नोट कर लें आप स्पीड में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर फोर। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। चलिए नोट करें आप, ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर आई की वैल्यू दी है, कह रहा है बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स मतलब टाइम दिया है 10 मिनट, ये आपका टाइम है। देन इसके बाद कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्यू की वैल्यू बताइए, दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। भैया आपका काम है ये, आपको बताना है, मैं इसमें आपकी कोई मदद कर नहीं सकता है, मतलब उमंग जी इसमें कुछ नहीं कर सकते। पांचवा आप देखिए फॉर्मूला पे ही लगाएंगे इसमें ना। पांचवा कह रहा है ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, आई की वैल्यू 0.5 एम्पियर, सॉरी इसको मैं बताऊंगा ही नहीं। ये पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप खुद से सॉल्व करिए, खुद सॉल्व करिए, खुद मेहनत करिए। पांचवा छठवां दोनों क्वेश्चन आपके लिए हैं, छठवां सातवां भी आपके लिए। सातवें में हम आपको हिंट दिए दे रहे हैं, एक बार समझ लें आप, सातवां थोड़ा सा घुमा हुआ है। कह रहा है टीवी सेट शूट्स आउट ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द बीम करंट इज 10 माइक्रो एम्पियर, आई की वैल्यू है 10 माइक्रो एम्पियर। देखो ध्यान से, आगे कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मतलब एन बताओ, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द टीवी स्क्रीन इन ईच सेकेंड। ईच सेकेंड का मतलब टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ईच का मतलब 1 होता है ना, इवरी। हाउ मच स्ट्राइक द स्क्रीन इन ए मिनट, अब एक मिनट में कितना होगा, टी इज इक्वल टू 1 मिनट बोले तो 60 सेकेंड, ठीक है। तो आपको यह बताना है, पहले माइक्रो हटा दीजिएगा भाई, तो वैल्यू बन जाएगी 10 × 10⁻⁶ एम्पियर, और अच्छे से लिखोगे तो 10⁵ एम्पियर। सर क्या करेंगे इसमें बेटे, से सॉल्व करेंगे, मतलब सॉल्व करने में क्या करेंगे, देखो आपको आई की वैल्यू दी है, टी की वैल्यू दी है, पहले यहाँ से आप क्यू निकाल लेना, जब क्यू निकल जाए तो यहाँ पुट कर देना, तो आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी। एक बार आप 1 सेकेंड के हिसाब से काम कर लेना, दूसरी बार आप 1 मिनट के हिसाब से काम कर लेना, आपको 3 आंसर मिलेंगे, और आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आप आंसर चेक कर लीजिएगा। ओके, सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने, जो समझ में ना आए बताइएगा। इसके बाद हम लोग जो अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक वो होगा V इज इक्वल टू W अपान Q, या हम बोल सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू V2 - V1। इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल पढ़ना है बेटा। देखो मेरी आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप ना न्यूमेरिकल मन लगा के सॉल्व करना भाई, क्योंकि देखो अगर न्यूमेरिकल नहीं लगाओगे ना, मैं बताऊं आपको, बढ़िया पेपर आता साइंस का, लेकिन न्यूमेरिकल नहीं लगाओगे, लॉजिक नहीं क्लियर करोगे, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे ना, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तुम कहीं से पढ़ो यार, किसी भी चैनल पे जाके किसी भी टीचर्स का वीडियो देखो, ऑफलाइन पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, जैसे तुम्हारा मन ना वैसे पढ़ो, लेकिन पढ़ो, लगाओ इसको, मजा तभी आएगा। देखो जब तक तुम फाड़ोगे नहीं किसी चीज में, एकदम पढ़ाई की चीर फाड़ करके रख दो, मजा तब आएगा पढ़ने में। पढ़ रहे हो वैसे, पढ़ रहे हो ना, कुछ आ रहे, आ भी नहीं रहा है पढ़ भी रहे हो, आ भी नहीं रहा है पढ़ भी रहे हो, मतलब पढ़ भी नहीं रहे हो और पढ़ भी रहे हो, मजा नहीं आएगा। कुछ दिन बाद आप परेशान होंगे और मुझे भी लगेगा यार ना, ठीक है। फिर कमेंट में मिलते हैं, बताइएगा जरूर आप कि आया या नहीं आया, ना आया हो तो बताइएगा, हम आगे समझाएंगे। जय हिंद, जय भारत।